रेडमी नोट 4 के लिए मी यू आई एडवाना सॉफ्ट का 12.5.3 का एक बिल्ड आया हुआ है। हालांकि ऑलरेडी एक 12.5.3 एडवाना सॉफ्ट का रिव्यू कर रखा हूँ, सेकंड बिल्ड आया हुआ था इलेक्ट्रो की तरफ से, वो एडवाना सॉफ्ट का सेकंड बिल्ड था वो 12.5.3 का, तो उसमें कंप्लीट रिव्यू कर रखा हूँ, आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद उसके मुकाबले इसमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, हालांकि ये अदर मेंटेनर का है, वो इलेक्ट्रो का था, तब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है उनके बारे में आपको बताऊंगा। और पहले स्टार्टिंग में बता दूँ कि इंस्टॉल करने से पहले एक बार कंप्लीट रिव्यू देख लेना, क्योंकि कुछ सीरियस बग भी इसके अंदर मिले हैं, जो कि पिछला आपका क्यों बेटर है क्यों नहीं वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि MIUI Arvana Soft का 12.5.3 स्टेबल फ्री मोड वाला ये बिल्ड है, और अगर हम अदर्स की तरफ चलते हैं स्पेक्स में, तो यहाँ पे ये OOC मिलता है ओवरक्लॉक्ड कर्नल से, तो एंड्रॉयड वर्जन 10 है। सिक्योरिटी पैच इसमें सितंबर 2021 की मिलती है, उसमें अक्टूबर 2021 का था, तो एक मंथ आगे का था उसमें, हालांकि ओल्ड दोनों ही हैं। एंड कर्नल यहाँ पे भी आपको 3.18 बेस्ड ओवरक्लॉक कर्नल मिलता है, उसमें अंडरग्राउंड वाला देखने को मिलता है, तो इसमें चाइनीज टाइप जैपनीज टाइप में लैंग्वेज मिलती है, हालांकि OOC कर्नल है जैसे कि बताया। एंड कास्ट का यहाँ पे जो है कभी कभार फाइंड नहीं करता, कभी कभार कनेक्ट नहीं होता, एक भी बार कनेक्ट नहीं हुआ पहले जबकि काम कर रहा था। वहीं अगर हम वॉल पेपर में चलते हैं, हालांकि डिफॉल्ट ये वाली वॉल पेपर रहेगी जो सुपरमैन वाला यूज़ कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा। एंड फोटो के अंदर अगर हम चलते हैं लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे कोई वॉलपेपर ऐसा आपको नहीं मिलता, जबकि पिछले में इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में मिला करता था। थीम्स की बात करें तो सिमिलर ही है, थीम आपको इस तरीके से मिल जाएगा, इंपोर्ट दिया गया है, और थीम स्टोर का वैसे सर्वर आप चेंज कर पाओगे इसके अंदर में, तो इसकी दिक्कत नहीं रहेगी। और अब हम यहाँ पे चलते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ, तो यहाँ पे भी हालांकि पूरी तरीके से सेम है, टैप टू वैक काम कर रहा है, चार्जिंग एनिमेशन ये सब आपका पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे रीडिंग मोड काम करता है, बट ये ऑफ नहीं होता है, ऑन करोगे ऑफ नहीं होगा। अभी जो ऑफ हो रहा है, इसके लिए आपको सिंपली कलर स्कीम में जाके स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं करना पड़ता था। एंटी फ्लिकर मोड इसके अंदर नहीं काम करेगा, रिफ्रेश रेट काम नहीं करेगा, तो ये दोनों चीज़ें जो है पहले भी हमारे काम की नहीं थी। एंड यहाँ पे ब्लर इफेक्ट हो गया, स्क्रीन टाइम जो है MIUI वाला या फिर गूगल वेल्विंग वाला यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पहले जैसी, इनमें कोई चेंज नहीं है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट दिया गया है, आप इसके MI साउंड एनहांसर को डायरेक्ट यूज़ करोगे तो काम नहीं करेगा। सोमी पार्ट्स के अंदर डायरेक्ट साउंड है उसको ऑन कर लेना, उसके बाद यहाँ जब चेंज करोगे तो ये भी आपका काम करने लग जाएगा, डायरेक्ट सिर्फ इसे बस ऑन करके यूज़ करोगे तो ये काम नहीं करेगा। एंड नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल सेंटर स्टाइल ओल्ड एंड न्यू के लिए मिल जाता है, साइड चेंज कर पाओगे। वहीं स्टेटस बार के अंदर में भी यहाँ पे कनेक्शन स्पीड मिल जाता है, या फिर उसी से रिलेटेड अपडेट स्पीड हो गया, कनेक्शन स्पीड मोड हो गया, ये सब आप चेंज कर पाओगे, ये सब आपका पहले भी मिलता था, तो पहले की वीडियो में डिटेल्स में बता रखा हूँ। होम स्क्रीन के अंदर में सबसे पहले तो सिस्टम नेविगेशन की बात करूँ, तो पहले जेस्चर काम नहीं करता था, इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में जेस्चर काम ही नहीं करता था, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता था, बट इसके अंदर आपको इनेबल मिल जाता है, तो यहाँ से आप जेस्चर या बटन का यूज कर पाओगे, जिसमें आपका बटन यहाँ पे नेविगेशन बटन इन डिस्प्ले काफ़ी छोटा है। वहीं हार्ड बटन लाइट की बात करूँ तो इसके अंदर भी बग मिलता है, और पहले भी मिला करता था इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में भी, बट इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में जेस्चर काम नहीं करता था, इसके अंदर ये आपको काम करता हुआ मिल जाएगा। एंड इसके अंदर ऐप बोल्ट इसमें भी काम नहीं करता, और उसमें भी काम नहीं करता था। गूगल डिस्कवर यूज़ कर लेना, सर्च बार चेंज कर पाओगे, और इसके अंदर डोंट शो टेक्स्ट का ये न्यू ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अपडेटेड लॉन्चर भी मिल जाता है, तो मिलने वाले। वहीं एक्स्ट्रा फीचर के अंदर पूरी तरीके से वही पहले वाली सेटिंग्स है, यहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है। विजेट्स बटन ये सब आपको, ब्लर इफेक्ट, एड फोल्डर ये सब आपको मिल जाएगा पहले वाला, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। अरेंज आइटम इन रिसेंट भी सेम ही है, जिसमें स्टाइल आप अपने रिसेंट की चेंज कर सकते हो, तो ये सब आपको पहले जैसा मिल जाएगा, जैसे कि बताया पहले वाले में कंप्लीट रिव्यू कर रखा हूँ। ये हमारा मिलता है एक्स्ट्रा फीचर, तो पिछला वीडियो आप देख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में कंप्लीट में बता रखा हूँ। यहाँ से आप जो है थीम अपना सर्वर जो है चेंज कर पाओगे, बट चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, पहले वाला ही है। स्टेटस बार की भी बात करें तो पूरी तरीके से सेम मिल जाता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं मिलता है। यहाँ से आप जो है चेंज स्टेटस बार आइकन में, पहले इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में काफ़ी सारे आइकन मिलते थे, यहाँ पे सिर्फ सिंगल देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट। एंड होम स्क्रीन सेटिंग्स मिल जाती जो कि सेम है, स्मार्ट मोबाइल नेटवर्क सेम ही रहेगा, कोई चेंज यहाँ पे भी हमें नहीं मिलता है। और जो सिस्टम साउंड है ये भी पूरी तरीके से सेम है, जिसमें अपने वॉल्यूम पैनल का टाइम आउट आप सेट कर पाओगे यहाँ से ये सब। एंड पावर मेन्यू स्टाइल यहाँ से चेंज कर पाओगे, एक्सटेंड रिबूट मेन्यू चाहिए तो सब आपको मिल जाता है, रिबूट के अंदर ही आपका पावर मेन्यू है, बट स्टाइल चेंज करना चाहो तो यहाँ से जो है स्टाइल को भी चेंज कर पाओगे। तो ये पूरी चीज़ें आपकी वही पहले वाली है। सिक्योरिटी सेटिंग्स भी हमारा सेम है, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं है। और लास्ट में आपको यहाँ पे अबाउट एप्स देखने को मिलता है, जो कि Arvana Soft का ही अबाउट वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक इसके अंदर काम कर रहा है, पहले भी वर्किंग था। वहीं अगर हम इंक्रिप्शन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये डिक्रिप्टेड रोम है, इंक्रिप्टेड नहीं आता, बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट रहेगा, पहले भी लेटेस्ट मिला करता था।
एंड अगर हम यहाँ पे देखें इसका जो बैटरी सेक्शन है, हालांकि बैटरी दोनों में ही आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, ठीक ठाक बैटरी मिलती थी और अभी भी ठीक ठाक ही मिलती है, बस इसमें लेटेस्ट आपको इंटरफेस पूरा देखने को मिल जाता है, परफॉर्मेंस मोड भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ये सब तो कुछ अल्ट्रा ही लेवल का यहाँ पे इसके अंदर दिया गया, जो कि हमारे काम का है नहीं, काम करेगा ही नहीं। एंड यहाँ पे जो ऐप्स है इसमें डुअल ऐप लोग का यूज़ कर पाओगे। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज की बात करूँ तो काफ़ी सारी लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारी ग्लोबल लैंग्वेज जो है अब यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं। रीजन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडोनेशियन सेट है, इंडोनेशिया, तो यहाँ से जो है आप अपनी कंट्री का सेट कर लेना, अपना रीजन जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन लाइट काम कर रही है, हालांकि इसके अंदर क्लियर स्पीकर मिल जाता, उसमें इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में ये नहीं मिलता था क्लियर स्पीकर, इसके अंदर ये देखने को मिल जाता। बाकी फिर आपको यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन तो मिल ही जाता है। यहाँ पे स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, स्पेशल फीचर्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, पूरी तरीके से सेम है, बाहर भी सब कुछ हमारा सेम ही मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एनिमेशन को लेकर के, तो एनिमेशन में हल्का लैग मिलता है, एंड्रॉइड 10 वाले वैसे भी आपके थोड़े अच्छे रहते हैं, उतना ज़्यादा लैग नहीं करता। इसके अंदर भी उसी तरीके से एक्स्ट्रा फीचर आप यहाँ से भी जा सकते हो, पल्स भी मिल जाता है जो कि काम कर रहे हैं। और वहीं अगर हम एडिट में चलते हैं तो यहाँ पे हमें जो है सोमी पार्ट्स मिल जाता है, जिसमें आपका FPS इन्फो भी है, उसमें भी सोमी पार्ट्स मिला करता था। और इसके अंदर आपके जो सेटिंग्स मिलती हैं सिमिलर जैसे बाकी मिलता था उसी तरीके से है, स्पेक्ट्रम प्रोफाइल मिल जाता है और नीचे फिर आपको यहाँ पे टच बूस्ट मिल जाएगा, स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है, थर्मल है और नीचे सेलिनेक्स है जो कि परमिशिव है, और डायरेक्ट साउंड ये है जो कि आपका काम कर रहा है। ऑडियो जो गेन के ऑप्शन सारे दिए गए हैं, ऑडियो माइक्रो ये सब काम कर रहे हैं, इनमें दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम पैनल बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में मिलेगा और उसमें भी ओल्ड स्टाइल ही मिलता था इलेक्ट्रो वाले बिल्ड के अंदर में। और जैसे कि एनिमेशन के बारे में आपको बताया कि एनिमेशन जो है बिल्कुल आपका ठीक ठाक अच्छा मिल जाता, उतना ख़राब भी नहीं मिलता उस तरीके से आपको यहाँ पे भी मिलेगा। इलेक्ट्रो में भी इसी तरीके से था एनिमेशन जो कि ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है, ख़राब आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती हैं जो है यहाँ पे आपका रीसेंट, तो रीसेंट जैसे हम जाएंगे देख सकते हो अभी मैं क्लियर किया था बट यहाँ पे भी शो कर रहा है, हालांकि क्लियर हो चुका है, 1.7 GB तक फ्री मिल रहा है बट ये जो है यहाँ पे शो करता रहता है, इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पे सिंगल भी क्लियर करेंगे तो भी क्लियर नहीं होता, जो कि पहले ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलती थी इलेक्ट्रो वाले बिल्ड के अंदर में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिला है। हालांकि कुछ रोम और भी जो है हमें नोट 4 में ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी बट इसके अंदर भी ये चीज़ मिल जाता। अब यहाँ पे मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है वोल्टी को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर वोल्टी यहाँ पे तो कहीं शो कर नहीं रहा है। सेटिंग से भी करके देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें रिबूट वूट करके देख लिया बट काम ही नहीं कर रहा है। वोल्टी सिम का प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर मिला है, जो कि इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और है, ब्लूटूथ डिवाइस अगर हम कनेक्ट करते हैं इसके अंदर में तो ऑटोमेटिक कनेक्ट डिसकनेक्ट ये होता रहता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा, जो कि कुछ अपडेट पहले कुछ रोम पे और बताया था तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम मिलती, जबकि इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में ये चीज़ें हमें फिक्स देखने को मिल जाती, जो कि मेन प्रॉब्लम इसके अंदर यही था। कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर नॉर्मल पिक्चर क्लिक कर पाओगे, वाटरमार्क काम करता है, पोर्ट्रेट मोड का तो बग रहेगा, पैनोरामा मोड काम करता है। तो कुछ यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखा दो, ऐसे पैनोरामा मोड है और ये हमारा वाटरमार्क वाला जो कि बिल्कुल काम कर रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे 1080 30 FPS तक ही मिल जाता जो कि काम कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रो में 4K तक का सपोर्ट करता था, जो कि 4K हमारा काम नहीं करता, सिर्फ ऑप्शन शो करता था, लेकिन यहाँ पे 1080 हमारा है। बाकी GCam मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन मैनुअली करना पड़ेगा। ओके गूगल का तो बग आपको मिलता है बट यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन कम मिलते, जो कि इलेक्ट्रो में काफ़ी ज़्यादा प्री इंस्टॉल मिलते थे। हालांकि प्री इंस्टॉल प्री रूटेड भी मिलता था इलेक्ट्रो वाला बिल्ड, ये प्री रूटेड नहीं मिलता, आपको करना पड़ेगा अगर करना चाहो तो। एंड FM भी इसके अंदर नहीं मिलता, उसमें मिलता था। गैलरी की बात करें तो गैलरी वैसे आपको मिल जाती है अच्छी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर्स तो आपको मिलेंगे साथ ही साथ यहाँ पे स्काई जो कि काफ़ी लोगों को चाहिए होता है, स्काई देखने को यहाँ पे मिल जाता है तो ये रहेगा। बाकी गैलरी प्रोटेक्टिव वाटरमार्क ये सब मिल जाएगा। प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट ही सर्टिफाइड मिल जाता है इसके अंदर। सेफ्टी नेट पास रहेगी, जो कि इलेक्ट्रो वाले बिल्ड में आपको पास करना पड़ता है, उसकी भी वीडियो ऐसे मैं बना रखा हूँ पास कैसे करना, तो डिस्क्रिप्शन पे हमेशा मिल जाती है। और इसके अंदर FM नहीं है, गूगल का कीबोर्ड आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वेदर की तो ये भी जो है आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। एंटूटू स्कोर 1,29,913 है, पिछले में 1,22,000 था इलेक्ट्रो वाले बिल्ड के अंदर में, जो कि सिमिलर स्कोर है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। गेमिंग मोड जो इसके अंदर दिया गया कुछ इस तरीके का गेमिंग मोड मिल जाता है ओल्ड स्टाइल में, बस इतने ही ऑप्शन आपको यहाँ पे गेमिंग मोड में देखने को मिलने वाले थे। ये कुछ ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे इसके गेमिंग मोड में हमें बस इतने ही देखने को मिलने वाले हैं। अब चलते हैं यहाँ पे ग्राफिक की तरफ, तो ग्राफिक भी यहाँ पे स्मूथ एंड हाई है, बैलेंस और मीडियम पे मिलेगी, HD का सपोर्ट नहीं है तो हम स्मूथ एंड हाई पे खेलेंगे। और गेमिंग की बात करो तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलने वाली, जैसे कि नोट 4 के अंदर मेन गेमिंग का ही थोड़ा दिक्कत होता है, एंड्रॉइड 10 के अंदर में भी अगर आप देखोगे ज़्यादातर जो MIUI रोम है उनमें SP में नहीं लेकिन MIUI पे आपको ये दिक्कत मिलती है। यहाँ पे भी वही हाल रहने वाला है, गेमिंग उतनी अच्छी
नहीं मिलती है। बट जैसे कि आपको बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपका जो है कौन सा बेटर रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप अगर वीडियो देखे हो कंप्लीट तक लास्ट तक, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन सा बेटर है। तो मेरे हिसाब से मैं भी यहाँ पे वही, जो अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रो का बिल्ड, तो वही प्रेफर करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो वाला का जो, इलेक्ट्रो का जो बिल्ड है अरवाना सॉफ्ट का जो 12.5.3 सेकंड बिल्ड जो आया हुआ था उनका, वो जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल मिलती है, अगर आगे इसके कोई अपडेट आते हैं फिक्स होती है सारी चीज़ें तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा, बता भी दूंगा आपको। बट अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से आप इसे जो है इग्नोर ही करो अभी के लिए। अभी के लिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, इसलिए जो है अगर आप यूज़ करना ही चाहो तो इलेक्ट्रो वाला बिल्ड यूज़ कर सकते हो, वो मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।